की अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या करें सर? बट साहब वक्त ही नाजुक आ गया है। बट साहब चमका रहा हो साफ सुख कर दिया है साफ। सर ये चमक रह गई थी। हमारा नारा हमेशा से था भूत को इज्जत दो। अच्छा बट साहब का जूते बेको अगर उन्हें काट दिया बेको काटा तो वाह रह गया वो भूत बन गया। अच्छा इसका मतलब है वो भूत को उसको पूछो भाई जान कैसे हैं आप खैरियत से हैं ठीक किसी चीज की कमी तो नहीं है आप बड़े हैं हमारे आपका जो फैसला है वो ठीक है बुजुर्ग है बच्चे गलती कर देते हैं। लगता है आपको बड़ा अजीज है आप लोग सही कहीं से मतलब मुझे शुरू से अजीज था। अच्छा मिल नहीं रहा था इसमें कोई शुबा नहीं सर आपकी मर्जी है आप जहाँ से पूछेंगे जैसे बोलेंगे आप मैं आपको बहुत सुझाव करूंगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे ये एक को लगे मैं एक बूट को दूसरा बूट कहाँ है सर आपका? मैं तो दोनों के चक्कर में था। हाँ। दूसरा पहचान साफ कर रहे मेरा भी है सर एक कैसा सोल है ना ये बर्फ में पिघलता है ना ये रेगिस्तानों में पिघलता है ना ये जमीनी ना फसाई ना बर्री ये किसी भी जगह ये बर्री बहरी जमीनी किसी भी जगह ऐसा किसी भी जगह ये मुख्तलिफ जगहों पे ये आप जमीन पे देख रहे होंगे कि कोई बर्री ना आ रहा हो तो ये फजा से आ जाएगा फजा से मार करेगा। आप फजा में भी देख रहे होंगे जमीन पे भी देख रहे होंगे ये बैरी निकल के आया। मुझे अच्छा हमेशा से लगता है लोग अपना काम कर रहे हैं बैठ के सुबह सुबह एक होता है ना बड़ा पुराना माहौल हमारे पास। ये आपका स्क्रिप्ट है ये आपके आपकी ये कलम है जी सर मैं इसके ऊपर ये रखता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता माशाल्लाह अल्लाह पाक नजर अल्लाह मेरी भी अल्लाह मेरी भी और रब सुन एक मिनट बट साहब आप भी हाथ बुलंद करें मैं भी जरा अपना दामन फैला दे मेरे सोने मलका मेरे मलका मैं भटक गया था नूर संगई